हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की मूवी है धूम 4। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि देखो, सबसे पहली बात तो मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तबीयत खराब चल रही है 3-4 दिनों से, तो अभी भी आवाज में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको लग सकती है, तो मैनेज कर लेना। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे फैन फिक्शंस मैंने बना रखे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर उनको भी एंजॉय कर सकते हो। तो चलो, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बैंक दिखाया जाता है, जिसके बाहर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं, क्योंकि इस बैंक के अंदर चोरी हुई है और चोर अभी भी इस बैंक के अंदर ही मौजूद था। पुलिस वालों ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया होता है और उनमें से कुछ पुलिस वाले बैंक के अंदर भी चले जाते हैं। बट अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि चोर तो अंदर है ही नहीं। एंड तभी अचानक से उन्हें बाइक की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो चोर बाइक से भाग रहा होता है। सभी पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं और यहाँ पहली बार हमें SRK के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है चार्ली। यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है। एंड हाँ दोस्तों, चार्ली की जो बाइक है वो एक नॉर्मल बाइक है, धूम 3 की तरह कोई छपरी बाइक नहीं है जो पानी में तैर रही है और हवा में उड़ रही है। एक नॉर्मल सी बाइक है जो कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। तो इसी तरह बहुत देर तक हम इस चेस सीक्वेंस को देखते हैं, जहां चार्ली भाग रहा होता है और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं, और इस चेस सीक्वेंस के आखिर में चार्ली सक्सेसफुली वहां से निकल जाता है। और फिर यहां से ये सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहां पे इंस्पेक्टर नैना शहर के सभी पुलिसमैन को बुलाती है, जहां पे अली और जय भी शामिल होते हैं। एंड दोस्तों, एज यूजुअल हमेशा की तरह हमारे जो अली भाई साहब है, वो नैना में भी अपनी घरवाली देख ही लेते हैं। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि नैना सबको बताती है कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में बैंक रॉबरीज हो रही है, लेकिन इन रॉबरीज में एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि जब भी बैंक में चोरी होती है तो CCTV फुटेज के अंदर चोर ना तो अंदर जाते हुए हमें दिखता है और ना ही बाहर आते हुए, जबकि इन सभी बैंकों के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता था अंदर आने और बाहर जाने के लिए। पुलिस को चोर तभी मिलता था जब वो अपनी बाइक से भागने की कोशिश करता था, लेकिन बैंक के अंदर कभी भी वो पुलिस वालों को नहीं दिखा। फिर उसके बाद वो सभी को एक फोटो दिखाती है और कहती है, ये है उसकी वो तस्वीर जो हम अभी तक कैप्चर कर पाए हैं। अब ये उसका असली चेहरा है या नहीं, ये हम नहीं जानते। बट दोस्तों, इतने में ही जय खड़ा होता है और कहता है, देखिए, इन सभी के अलावा एक और चीज़ है जो किसी ने भी नोटिस नहीं की। अभी तक जितने भी बैंक्स में चोरी हुई है, उनमें से किसी भी आम इंसान का पैसा नहीं डूबा है। अब वैसे तो आम तौर पर जब भी ऐसे लूट होते हैं तो यह तो बैंक का दिवाला निकल जाता है या फिर कई लोगों का पैसा डूब जाता है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा गौर करें तो इन सभी में उन्हीं पैसों की चोरी हुई है जिनका इंश्योरेंस किया गया था, जिसका मतलब यह है कि ये पैसे अगर चुरा भी लिए जाएं तो उसका नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को ही उठाना पड़ेगा, किसी आम इंसान को नहीं। मतलब कि भाई, ये चोर जो है वो थोड़ा सा दिलवाला टाइप का है, वो आम लोगों के पैसे नहीं चुरा रहा, वो बस बड़ी बड़ी कंपनीज के पैसे चुरा रहा है। तो दोस्तों, अब ये सब कुछ पता चलने के बाद जय दीक्षित सभी पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि उन सभी बैंक्स पे पहरा दिया जाए जहां पे जमा किए हुए पैसों को इंश्योर्ड किया गया हो। फिर दूसरी तरफ हमें चार्ली दिखता है जो कि अपने अड्डे के अंदर एक नकली नोट बना रहा होता है। अब दोस्तों, इन नोटों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये नकली नोट है, पर उसके बावजूद भी वो बहुत सारे नोट बनाता है। और फिर यहां से ये सीन कट हो जाता है और फिर आता है चोरी का दिन। हमें एक बैंक दिखाया जाता है जिसके बाथरूम से वो बाहर निकलता है। एक बार फिर से आखिर वो बैंक में घुसा कैसे, ये हमें नहीं पता। यहाँ पे चार्ली ने अपना भेष बदल रखा है और अब वो अपने टैब से बैंक के सभी CCTV कैमरास को हैक कर लेता है और रियल फुटेज की जगह कोई दूसरा वीडियो लूप वहाँ पे चला देता है। यहाँ बैंक के अंदर उसकी मुलाकात SCP जय से भी होती है, जहाँ वो उससे पूछता है, बेटा सही से इंतजाम तो कर लिया है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी भर की कमाई वो चोर ले जाए और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओ बेटा। जिस पे जय कहता है कि आप फिकर मत कीजिए, इस बार वो चोर यहाँ अगर आ भी गया तो वापस नहीं जा पाएगा। जिस पे चार्ली हंस देता है और वहां से निकल जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस सेफ के पास पहुंचता है जहाँ सारे इंश्योरेंस वाले पैसे और ज्वेलरीज को रखा गया था। एंड फिर वो उस सेफ को क्रैक करके वहां से सारे पैसे निकालने लग जाता है, पर तभी अचानक से वहां पे एक अलार्म बजने लग जाता है जिसकी उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। और तभी जय, अली और बाकी सारे गार्ड्स वहां पे आ जाते हैं और चार्ली बुरी तरह से फंस जाता है। जय धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी चार्ली एक बटन दबाता है और सीधा जमीन के अंदर चला जाता है। उसे जमीन के अंदर जाते देख जय समझ जाता है कि जरूर बैंक के नीचे एक टनल है, और वो सीधा बाहर निकलता है और देखता है कि चार्ली अपनी बाइक से भाग रहा होता है। और फिर यहां से शुरू होता है असली मजा। हमें एक चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां एक तरफ अली बाइक से उसका पीछा कर रहा होता है और दूसरी तरफ ACP जय हेलीकॉप्टर से। दोस्तों, ये चेस सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है और काफी ज्यादा थ्रिलिंग भी होता है, जिसको मैं शब्दों में बयां तो नहीं
नहीं कर सकता, बट हाँ फील ले लो भाई। और हर बार की तरह इस बार भी चार्ली वहां से किसी तरह से निकल ही जाता है। चार्ली के भागने के बाद जय वापस से बैंक के अंदर आता है ताकि वो उस अंडरग्राउंड टनल को देख सके जिससे चार्ली अंदर आया था। और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहां पे एक सीवर सिस्टम है जिसके अंदर से बैंक तक का रास्ता बनाया गया है। और फिर जय को याद आता है कि अब तक जितने भी बैंक के अंदर चोरी हुए हैं उन सभी बैंक के आसपास सीवर सिस्टम मौजूद थे। और अब उसे अच्छे से समझ आ चुका था कि क्यों चार्ली कभी भी बैंक के अंदर जाते हुए या फिर वहां से भागते हुए नहीं दिखा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सीवर्स का ही इस्तेमाल करता था बैंक तक टनल बनाने के लिए और बैंक के अंदर घुसने के लिए। फिर यहां दूसरी तरफ नैना उसे बताती है कि खैर चोर तो निकल गया बट एटलीस्ट हमने उसे चोरी करने से पहले ही रोक लिया क्योंकि सेफ में रखे हुए सारे पैसे सलामत हैं। पर दोस्तों यहां पे जय कहता है इतना शातिर चोर बिना चोरी किए यहां से नहीं भाग सकता, क्या मैं उन पैसों को देख सकता हूं? जिस पे नैना कहती है जरूर। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि वो दोनों सेफ के पास जाते हैं और जब सेफ को खोलते हैं तो पैसे वहां पे रखे हुए थे। बट अब जैसे ही वो उस सेफ के अंदर से सारे पैसों को बाहर निकालता है तो वो सभी इन पैसों को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये सारे पैसे नकली थे। एंड दोस्तों फिर यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमने देखा था कि कैसे चार्ली नकली नोट बना रहा था जिन्हें देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वो नकली नोट है। पर जब वो उन नोटों के ऊपर अल्कोहल से ब्रश मारता है और फिर बैंक में जिस तरह की सेफ थी बिल्कुल वैसी ही डमी सेफ के अंदर उन पैसों को रखकर उसके अंदर की ब्लू लाइट को जलाता है तो फिर यहां से शुरू होता है असली मैजिक। असल में ब्लू लाइट और अल्कोहल के पेस्टिंग के वजह से वो नकली नोट देखने में एकदम असली नोट की तरह फील हो रहे थे और वो नोट तब तक असली फील होंगे जब तक उनको देखा जाए। जैसे ही कोई इन नोटों को हाथ लगाएगा और ब्लू लाइट से बाहर निकालेगा तो फिर उसे आसानी से पता चल जाएगा कि ये नोट असल में नकली है। तो अब यहां से होता है फ्लैशबैक खत्म और जय नैना से कहता है ही इज अ परफेक्ट थीफ नैना, इसके पैटर्न को देखकर किसी की याद आती है। एंड दोस्तों फिर यहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्यन यानी कि ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है जिसे हमने धूम 2 में देखा था। वो अब एक कैफे चला रहा होता है और तभी उसके पास जय पहुंचता है और उसे उन सभी चोरियों के बारे में बताता है जो कि चार्ली ने की थी। जिस पे आर्यन कहता है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये चोरियां मैंने की है? जिस पे जय कहता है कि नहीं तुमने ये चोरियां नहीं की, लेकिन जिस तरीके से ये चोरियां हुई है ना वो प्लान्स परफेक्ट थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और बस इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि उसे पकड़ने के लिए तुम मेरी मदद करो। जिस पे दोस्तों आर्यन हाँ बोल देता है और उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब आर्यन भी पुलिस के साथ मिलकर उन सभी बैंक्स में जाता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जय को बताता है मेरे हिसाब से बस एक ही ऐसा बैंक बचा है जहां चोरी अभी भी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि चोरियां सिर्फ उन्हीं पैसों की हुई जिनके इंश्योरेंस किए गए थे और इन चोरियों के बढ़ने के बाद अब सभी बैंक्स ने इंश्योरेंस वाले पैसों को डिजिटल मनी में कन्वर्ट कर दिया है यानी कि कैशलेस। और वो इतना बड़ा हैकर तो नहीं हो सकता कि डिजिटल पैसों को चुरा ले, लेकिन इन सभी बैंकों में से सिर्फ एक ऐसा बैंक है जहां पे अभी भी पैसों को डिजिटाइज नहीं किया गया है, वो अभी भी कैश के रूप में वहां पे मौजूद है। जिस पे जय कहता है पर अगर सभी बैंकों ने इंश्योरेंस के पैसों को डिजिटाइज कर दिया तो फिर इस बैंक ने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस पे नैना उसे बताती है क्योंकि इस बैंक में सेफ्टी लॉकर्स हैं जिनमें देश के कई करोड़पतियों के भी अकाउंट्स हैं और इस बैंक के अंदर इंश्योरेंस जो है वो सेफ्टी लॉकर्स का होता है, उसके अंदर कितने पैसे हैं उनका रिकॉर्ड खुद बैंक भी नहीं रखता और इसलिए अगर उन लॉकर्स के अंदर से चोरियां होती भी हैं तो सबसे पहले पीड़ित को बैंक को प्रूफ देना होगा कि उसके अंदर कितने पैसे थे और प्रूफ देने के बाद ही वो अपने इंश्योरेंस को क्लेम कर सकता है। जिस पे आर्यन कहता है सही कहा एंड दैट्स व्हाई अगली चोरी इसी बैंक में होगी। अब दोस्तों यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ली को देखते हैं जो कि उसी बैंक के सामने खड़ा होता है और सभी जगहों की फोटो खींच रहा होता है, लेकिन इस बार वो सीवर के अंदर से बैंक तक का टनल नहीं बना सकता क्योंकि अब पुलिस को इस बारे में पता चल चुका है और इसलिए वो सिगरेट पीते हुए बैंक की तरफ देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। बट तभी उसके सामने से एक कार गुजरती है और रास्तों के गड्ढों में जो पानी भरे हुए थे उसके छींटों से उसकी सिगरेट बुझ जाती है, इसलिए चार्ली उस बुझी हुई सिगरेट को गटर में फेंक देता है। बट तभी वो यहां पे ये नोटिस करता है कि वो सिगरेट गटर में बहते हुए कहीं जा रही थी। वो गटर में बह रहे उस सिगरेट का पीछा करने लग जाता है और काफी देर पीछा करने के बाद एक जगह पर जाकर रुक जाता है और उस जगह को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है।